स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढ़ौरा नदी क्षेत्र में दोपहर बाद अचानक तेज पानी आने के कारण से एक व्यक्ति अपनी गाड़ी समेत नदी के बीचों बीच फंस गया। उसके चारों तरफ पानी आ गया। लगभग 11 से 12 घंटे वो पानी के बीच में फंसा रहा। देर रात को ही उसने फिर लोगों को सूचित किया। पुलिस प्रशासन वहां पर आया, फिर लोगों ने उसको वहां से बाहर निकाला। तो प्रस्तुत है इस बारे में एक रिपोर्ट। स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढ़ौरा नदी में के तटबंध पर इस वक्त खड़े हुए हैं और ठीक नदी के बीचों बीच एक गाड़ी पिकअप, इस वक्त जो लाइट्स में आप देख रहे हैं, मोनू जी लाइट मार रहे हैं, उसके ऊपर लाइट पिकअप की पर जो है लाइट पड़ रही है रिफ्लेक्टर के ऊपर। तो वहाँ ये गाड़ी जो है दोपहर 11 बजे के लगभग यहाँ पर इसमें आई होगी नदी में, जो मृतक पशु उठाते हैं। इसमें दर्शन नाम का एक व्यक्ति है इस गाड़ी में, तो वापसी करने लग रहा तो अचानक ही पानी आ गया और इस वक्त ये नदी के बीचों बीच ये गाड़ी फंसी हुई है। क्लियर हम दिखा नहीं सकते कि बीच में है और वहाँ तक जाना इस वक्त नामुमकिन है। काफ़ी गहरा दोनों तरफ पानी है और पूरा प्रशासन पुलिस वगैरह यहाँ पर आया हुआ है। तो मनोज जी जानकारी दीजिए, क्या कुछ मामला था ये? सर जी, अब 9 बजे हमारे पास कॉल, 8:30-9 बजे के बीच में कॉल आई कि भी ऐसे कैसे करके नदी के बीच में एक पिकअप गाड़ी फंसी हुई है, उसमें एक व्यक्ति है, उसको निकलवाया जाए। तो हमने जब ही SDM साहब के संज्ञान में ये बात डाली और SHO साहब के, तो उन्होंने साथ ही इसके ऊपर अपना साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको बचाने का कार्य शुरू है और जल्दी इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, गाड़ी बाद में निकाल ली जाएगी। तो क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब गोताखोर बुलाए जा रहे हैं? हाँ जी, वो रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम SDM साहब करे भी मैं भेज रहा हूँ और जल्दी इसको निकाल लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा जी। इसने दिन में हमारे को सूचना नहीं करी, ना किसी शहर के लोगों को। अब इसने 9 बजे सूचना करी, 8:30-9 बजे, मतलब 11 बजे का फंसा हुआ बंदा ये गाड़ी में। ये दिन में करता तो और रात को 9 बजे ये कर रहा है, मतलब या तो इस चक्कर में रहा होगा कि शायद पानी उतर जाए, मैं वापस आ जाऊंगा, तो इसके मन में यही रहा जी पानी कम होगा, मैं निकल जाऊंगा जी। उस टाइम पानी कम था जी, पर अब ज्यादा पानी बढ़ता जा रहा है जी, ऊपर से पानी, पहाड़ में से बरसात के कारण पानी बहुत ज्यादा, खतरा भी हो सकता है इसको, इसकी जान बचानी सबसे जरूरी है जी। अभी गाड़ी में है ये? हाँ जी, गाड़ी में है जी। तो कहाँ गया बंदा ये दर्शन, ये जैसे नाम भी जानते हैं इसका, इधर यही अमदासिया मोहल्ले में से है जी। का है? हाँ जी, दर्शन लाल इसका नाम है। ये हड्डा रोड़ी का काम करता है, जो मृतक पशु होते हैं जितने भी में, वो उठाने का काम इसका है। जहाँ पर भी सड़क पे, शहर में कहीं किसी के घर, यही लड़का उठाता है जी। वैसे ये बहुत सेवा का काम भी करता है, अचानक ही पानी ज्यादा आने के करके फंस गया, पर इसकी गलती है जी, इसको दिन में बता देना चाहिए, थोड़ा दिन में सूचना कर देनी थी। पर शायद ये इंतजार में कि पानी कम हो जाए मैं निकल जाऊंगा, अब रात होगी ये डर गया होगा। हाँ जी, अब नदी के काफी बड़े बड़े खड्डे हैं, इसको कुछ चमक नहीं रहा जी। तो इसे निकालने की कोशिश भी की होगी वैसे तो? फोन पे बात हो रही है इसके साथ? फोन पे अभी बात हुई जी, अभी जी। क्या बोल रहे हैं? SHO साहब की बात हुई तो SHO साहब ने इसको बताया कि भी मैं अभी आपकी कर रहे व्यवस्था, जल्दी आपको निकाल लेंगे, घबराओ मत। तो देख सकते हैं ये थोड़ी सी लाइट में हल्की फुल्की ही नजर आ रही है। आइए अब थोड़ा नजदीक करके देखा, तो SHO साहब अब जोर कह रहे हैं कि वो SHO साहब हिम्मत कर रहे, SHO साहब प्लेट करो जरा, पानी बहुत ज्यादा है जनाब यार, मैं लग गया हूं। SHO साहब खुद हिम्मत करना चाह रहे हैं कि अब शायद, चलो मेरे साथ कौन सा आएगा, चलो सर यहाँ बहुत बड़े, SHO साहब कह रहे हैं कि खुद वो आगे चलना चाहते हैं। SHO साहब खुद वर्दी के साथ ही नदी में उतरने का मन बना रहे। नहीं जी, SHO साहब इधर से तो ज्यादा है, ये पानी ज्यादा है, गहरा ही है, वही जाएगा जी। आप तो तैर लेंगे जी, इनमें से कौन तैरेगा जी, ना मुश्किल हो जाएगी उसको वापस लाना, मुश्किल हो जाएगा। 3 पहुंच तो जाएंगे आप वहाँ पे, लेकिन वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। SHO साहब बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, काम कर लेते हैं। हाँ जी सर, लड़ करो, हाँ जी हाँ जी, उसको मंगवा लो अपना परिवार जी। हाँ वहाँ बिलासपुर होगी, तो यहाँ लोकल नहीं किस्ती रखी हुई कोई होने चाहिए यार किस्ती, तो या और कोई शॉर्टकट हो नदी के आसपास कहीं, मनोज जी पता क्या खड्डे का पता नहीं, अंधेरे में वाली लाइट ये ब्रेक निकड़ है ना जी, लाइट मारी सी, जब से तटबंध बंद है ना जी, जब से इसका नदी का कुछ नहीं पता कहाँ कितनी गहराई है, नहीं तो पहले तो एक लेवल का नदी के बीचों बीच में गाड़ी खड़ी है, आगे कहाँ लेके जाएगा, स्टार्ट कर दिया है, तो उससे फोन में बात करो, कोशिश की है, वो कह रहा था कि ट्रैक्टर वाले को बुलाया मैंने, ट्रैक्टर वाले तो शाम के कर रहे जिनके पास ट्रैक्टर वालों के पास फोन ही है, पानी मान ट्रैक्टर का भी कुछ चले चल रहे, किसी से बातचीत की जा रही है। राम राम जी, दर्शन भाई घबराओ मत, अभी कर रहे
इंतजाम करो निकालने का आपका भाई। हाँ जी, हाँ जी, लो बात करो सर जी से। दर्शन जी, हाँ जी भाई जी, नमस्ते। आप ही गाड़ी में हैं? तो आपने कोशिश करी निकलने की वहाँ से? मैंने शुरू में तो मेरी गाड़ी फंस गई। अच्छा, गाड़ी फंसने के बाद मेरे को निकालने बहुत जरूरी होती है गाड़ी। गाड़ी ना अपने आप नहीं आ सकता एक बार तू तो मतलब अपने आप निकलना, अपने कोशिश नहीं करी तूने अपने आप निकलने की गाड़ी छोड़ के? गाड़ी छोड़ के पानी ज्यादा गया तो दो घंटे से है मेरे पास, जोर से चार पांच फुट गह रहे हैं जी। अच्छा, गाड़ी तो निकाल लेता हूँ मैं। नहीं ना, अपने आप तूने कोशिश करी बाहर आने की? हाँ जी, आगे फिर पानी है ना, दो घंटे है जी पानी के। अच्छा, मतलब क्या गहरा ज्यादा है? तुमने ट्राई मारी है मतलब निकलने की एक बार? अच्छा, किस टाइम पड़ गया था नदी में? नदी में जिस टाइम बारिश में गया था, जिस टाइम बारिश पूरी थी। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ है क्या तेरी गाड़ी में जिस टाइम तो नदी के बीच में फंसा हुआ है? गाड़ी खाली है। तूने ट्राई करी गाड़ी आगे पीछे करने की? गाड़ी आगे पीछे करने ट्राई करी किधर से निकालने की? हाँ जी, वहाँ से निकाल दी थी मैंने, फिर आगे जाके आगे निकलती नहीं है, स्लिपिंग करती है। अच्छा, फंस गई है गाड़ी, सिंगल टायर है। इसलिए इसको आगे फिर पानी, मेरे को ये अभी तक डाउट कभी कटती में पानी को नहीं भर के इंजन वगैरह में। चलो, उस गाड़ी की तू चिंता कर, तो अपनी चिंता कर, तो गाड़ी की चिंता कर रहे अभी हाल भी इंजन में पानी बढ़ जाएगा यार। और रोजी रोटी तो है, रोजी रोटी तेरी जान नहीं रहने की, तो रोजी रोटी क्या करेगी, अपनी तो भी जान देखनी। जितना सही रहेगा तो। और यार कैसी बात करा, शरीर कोई बात नहीं है, एक तो घबरावाना कोई बात नहीं, यहाँ खड़े यहाँ देख रहे कर रहे ट्राई, कुछ ना कुछ बना रहे हिसाब किताब, ठीक है। और टेंशन ना, तो देख अगर ट्राई कर सक, घबरा तो तैरना तो नहीं, तेरे को तैरना तो नहीं आंदा? तैरना नहीं आंदा, ठीक है। चल कोई बात, रोजे की तरफ तो नहीं है मामला, उधर भी पानी आ रहा है क्या रोजे की तरफ, खेतों की तरफ? हाँ, और रोजे की तरफ? हाँ हाँ हाँ, मतलब बस दोनों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है तेरे, मतलब जिस टाइम गाड़ी में खड़ा तू। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए देखने पड़ा, फिर आगे आपने बताया दो घंटे सारा ही बंदा डूब जाएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर देख तू जरा, कर रहे जरा एडम साहब कोई बंदे भेज रहे, देखा बनावा प्रोग्राम, ठीक है। टेंशन वाले पर ट्राई ना मारा, तू बैठ आराम से बैठ वहीं गाड़ी में, ठीक ले भाई। देखो किधर घूम रहा पानी, पानी बहुत घूम रहा है जी। मैं परली साइड में भी आऊँ तो मैंने नहीं बता कहाँ को आना पड़ेगा, तेरी साइड में कितना गैप है उसमें खड्डे खुड्डे का? तो दोबारा कर मेरे फोन पे, दोबारा फोन कर मैंने नहीं बता, जो परली साइड में ना परली डांग रोजे की तरफ की, रोजे की तरफ था, मैंने नहीं बता मैं कहाँ से आऊँ, मैं आऊंगा और मैंने नहीं बता जगह गैप कितना है उसमें खेत मार उसमें नदी में। आवाज नहीं क्लियर है, ये तो खिड़कियां खोल ले इसकी, अगर आदर्श में भाई मना तो पेड़े दिख रहे यार परली साइड में, वो गौर से ले चलो मैं कर दूंगा मुकाबला है। दर्शन और दर्शन काट के करो जी, तो काट देना। और आखिरकार एक दो युवा ने जो है हिम्मत करने का जो है थोड़ा सा मन में ले आए हैं कि हम लोग जाकर रस्से की मदद से उसको निकालेंगे, और महंत गौशाला जी सोभादास जी भी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि मैं भी खुद जाऊंगा और रस्सा आदि लेकर उसको बाहर निकाल कर लेके आएंगे। दो तीन युवा हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। 10 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, वो व्यक्ति पानी के बीच में है और अभी तक कोई किश्ती नहीं आई, ना ही कोई ऐसा कोई इसको निकालने वाले बाहर से नहीं आ पा रहे हैं। इधर से भी शहर से कुछ रस्से वगैरह लेने के लिए युवक गए थे लेकिन अभी तक भी वो वापस नहीं आए। कुछ लड़के हिम्मत कर रहे थे लेकिन अभी कुछ गारंटी नहीं है क्योंकि पानी का बहाव तेज़ है, इस कारण से उनकी भी हिम्मत अभी जवाब दे रही है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होगा। उधर से हेडम साहब का खुद ही फोन आया कि वो किश्ती जो है, किश्ती तो है, बोट तो है लेकिन चलाने वाला वहाँ कोई नहीं है,
चलाने वाला जैसे ही मिलता है उसको खोज कर रहे हैं, तो तुरंत किस्ती यहाँ पर आएगी और उसको तुरंत। आखिरकार उसी लोकल नदी क्षेत्र के ही दो तीन युवकों ने साहस दिखाया और एक लंबा सा डंडा लिया और साथ ही एक दो रस्सा लेकर वो नदी के दूसरे हिस्से में खेतों खेत जिसके रास्ते की उनको जानकारी थी वहां से वो उस स्थान तक पहुंचे जहां पर उसकी गाड़ी फंसी हुई थी और उन्होंने उस ड्राइवर यानी गाड़ी के संचालक को सहकुशल नदी क्षेत्र से बाहर निकाल लिया। आखिरकार 12 घंटे के लगभग समय का बीत जाने के पश्चात वह युवक सहकुशल नदी क्षेत्र से बाहर आया। उन्होंने उस युवक का और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए।